नहीं देखिए, उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो वहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि है उसका दर्शन हमको इस मेले में होता है, और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है इस मेले की। और जो उत्तराखंड के लोग यहाँ पर बरेली में आकर बसे हुए हैं, वो अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बचाए रखने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए इस तरह का आयोजन निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है और बरेली के लिए गौरव की बात है। उत्तरायणी जल कल्याण समिति द्वारा इस वर्ष 25वें मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्तरायणी जो मेला है, उत्तराखंड का एक मकर संक्रांति का जो पर्व, जो पूरे हिंदुओं का एक पर्व है, उसको बड़े उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसको लेकर बागेश्वर के बाद बरेली में उत्तर प्रदेश में एक मेला आज से 25 साल पहले शुरू किया गया था, जिसको आप देख रहे हैं। एक छोटा सा स्वरूप आज कितना बड़ा स्वरूप ले चुका है। इस मेले का उद्देश्य हमें अपनी जो संस्कृति है उसको हमें अपने नए बच्चों को बताना, उसका प्रचार प्रसार करना है। आज ये मेला उत्तराखंड वासियों के अलावा स्थानीय उत्तर प्रदेश का मेला बन चुका है। आप इसकी जो शोहरत है देख रहे होंगे। अभी एक छोटा सा एक रंगयात्रा का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, 12 बजे इस मेले का उद्घाटन होगा। बरेली में आपको उत्तराखंड की सारी छटाएँ दिखेंगी। इसमें शौका समाज भी है जो धारचूला से दूर प्रांत से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा कुमाऊनी वेशभूषा में लोग आपको दिखाई देंगे। पीछे NCC के बच्चे हैं, स्काउट्स के बच्चे हैं, सभी लोग इस मेले में लुफ्त ले रहे हैं। अभी 12 बजे जो हमारा उद्घाटन मेला ग्राउंड में होगा, उसको हमारे जो बरेली के DM साहब उसको इनॉग्रेट करेंगे। उसके बाद हमारे उस मेले के अंदर 150 स्टॉल्स आए हुए हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड के अतिरिक्त नागालैंड, उड़ीसा, अन्य विभिन्न पूरे देश के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, सभी जगह के स्टॉल्स मिलेंगे, जहां आपको उत्तराखंड के सारे खाद्य सामग्री, ऊनी वस्त्र, हमारी दालें, मसाले, सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा। एक 3 दिन बरेली किस तरह से मिनी उत्तराखंड बना रहेगा।